वोटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है आज, जिनमें कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, इन सब का ये सब आज चुनावी मैदान में है। इन सारी सीटों पर हमारी नजर रहेगी। आज महाराष्ट्र का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मुंबई उत्तर सीट पर पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम मैदान में है। मुंबई उत्तर मध्य वही सीट है जहां से पूनम महाजन चुनाव लड़ती थी। इस बार बीजेपी की ओर से उज्जवल निकम चुनावी मैदान में है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए केस उज्जवल निकम ने ही लड़ा था। उधर आज फैजाबाद की सीट पर भी वोटिंग होनी है। फैजाबाद यानी अयोध्या पूरे उत्तर भारत का हृदय कहा जाता है। इस बार भी बीजेपी की ओर से वहां से लल्लू सिंह मैदान में है। आज का मुकाबला बेटों का भी है, बेटे जैसे रामविलास पासवान के बेटे जो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान ने यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था 1977 में। अब हाजीपुर सीट से उनके बेटे की बारी है। एक और बेटे खड़े हैं जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और बारामूला सीट से मैदान में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की भी आज